शख्सियत हैं सैयद अहमद अली रहमान खान, तो उनकी फ़ोटो को जिस तरह से हटाया गया, और उससे पहले भी हमने देखा यह ऑल इंडिया सरसे डिबेट में उर्दू को हटाया गया, इसी तरह से इसमें देखा जा रहा है सैयद अहमद खान की तस्वीरों को हटाया गया, तो ये सरासर गलत है। इसमें तनाव का क्या माहौल है? तनाव तो नॉर्मल चीज़ है, तनाव तो बनाया जाता है बाय द थ्रू बाहर के कुछ एजेंडाज हैं, बाहर के कुछ लोग हैं जो एमी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गजट की उत्पत्ति अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट के रूप में हुई थी। ये गजट 1866 में सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। इसने अपने समय से बहुत आगे की दृष्टि को पेश किया था। सर सैयद को शिक्षा के प्रति समर्पण के लिए समर्थन और लोक कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गजट प्रकाशन विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक मासिक पत्रिका है। विश्वविद्यालय के सभी विभागों के सहयोग से राजपत्र उन मूल्यों और उपलब्धियों को बढ़ावा देता है जो विश्वविद्यालय से संबंधित होने पर गर्व की भावना को बढ़ावा देते हैं। इसका लक्ष्य सूचनाओं का सकारात्मक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इसी गजट का न्यूनतम एडिशन विश्वविद्यालय में विवाद की वजह बना हुआ है। ये एक ऐसा विशेष एडिशन है जो पूरी तरह से कोविड के दौरान हुए टीकाकरण और अन्य सेवाएं जो यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई थी उनको समर्पित है। छात्रों का कहना है कि इस गजट में प्रधानमंत्री की 6 तस्वीरें लगाई गई हैं, जबकि सर सैयद अहमद खान की सिर्फ 2 तस्वीरें ही हैं। उनका ये आरोप है कि ऐसा करके वाइस चांसलर एक खास पार्टी को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि प्रधानमंत्री फंड से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए गए हैं और लगभग 90,000 टीकाकरण JNMC में किए गए थे। इसका प्रधानमंत्री ने पूरा समर्थन किया था, जिस वजह से अगर उनकी तस्वीर गैजेट में लगाई भी गई है तो छात्रों को उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस हिसाब से गैजेट जो मैगजीन निकाला है अलीगढ़ मुस्लिम इंतज़ामिया ने, उसमें साफ तौर पे हिंदुस्तान की जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर की कुछ तादाद ज़्यादा ही बढ़ा दी, तो इससे साफ तौर पे जाहिर होता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो इंतज़ामिया है उसकी मंशा गवर्नमेंट को लेकर उसके फेवर में नज़र आती है। और जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर हैं, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखने के सबसे बड़े ज़िम्मेदार जो शख्सियत हैं सर सैयद अहमद अली रहमान खान, तो उनकी फ़ोटो को जिस तरह से हटाया गया, और उससे पहले भी हमने देखा कि ऑल इंडिया सरसे डिबेट में उर्दू को हटाया गया, इसी तरह से इसमें देखा जा रहा है सर सैयद अहमद खान की तस्वीरों को हटाया गया, तो ये सरासर गलत है। और जिस हिसाब से इंतज़ामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो ज़िम्मेदार अथॉरिटीज़ हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जिस हिसाब से फेवर करते हुए नज़र आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का और उनकी गवर्नमेंट का, तो ये कहीं ना कहीं चापलूसी वाली हरकत है। देखिए, यहाँ के माहौल पे फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन यहाँ के तालिब इल्म पर ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ की जो फाउंडर हैं वो सर सैयद अली रहमान खान हैं, और सर सैयद अली रहमान खान का जो सबक है, जो कौल हैं, जो उनकी तरबियत है, जो उनकी नसीहत है, तो वो इससे बिल्कुल ही परे हैं। जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है कि इंतज़ामिया दिन ब दिन जो गवर्नमेंट के फेवर में नज़र आती खड़ी नज़र आ रही है, और दिन ब दिन ये बढ़ता हाल चला जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ ये गलत है बहुत ज़्यादा। और जिस हिसाब से मैगजीन का जो एक मोटिव है वो ही बदल के रख दिया, यहाँ सिर्फ साफ तौर पे ये जाहिर करने की कोशिश की गई है कि नरेंद्र मोदी को खुश करने की कोशिश की गई है उनकी तस्वीरें ज़्यादा छापकर। और जो कोविड के दौर की बात कर रहे हैं, तो कोविड के दौर पर और भी बहुत से ऐसे NGOs थे, ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने कोविड के तौर पर एक वॉलंटियर के तौर पर या सोशल वर्क के तौर पर जो काम किया और एक अच्छी भूमिका निभाई, और अपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मेडिकल जैन मेडिकल कॉलेज जिनके डॉक्टरों ने अपनी जान को परवाना रखते हुए और यहाँ के लोगों की मदद करी और वहाँ के मरीजों की इस तरह से तीमारदारी करी जैसे माँ अपने बच्चों का ख्याल रख रही है, तो ये इस तरह से गवर्नमेंट को दिखाना कि कोविड के तौर पे कि गवर्नमेंट ने ही सिर्फ काम किया और गवर्नमेंट उसमें पूरी तरीके से फेल नजर आई थी, तो ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को खुश करने की बात की गई है और कुछ नहीं। इसमें तनाव का क्या माहौल है? तनाव तो नॉर्मल चीज है, तनाव तो बनाया जाता है बाय द थ्रू बाहर के कुछ एजेंडाज हैं, बाहर के कुछ लोग हैं जो एमी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अगर किसी ने कोई काम किया तो उसको अप्रेज करना चाहिए। हमको मोदी जी ने काम किया है तो हम उसको अप्रेज कर रहे हैं, अगर मोदी जी कोई और भी होते अगर वो भी करते तो हम उनको भी अप्रेज करते हैं। इसमें कौन सी तनाव वाली बात है? बाहर के कुछ लोग हैं जो एमी का माहौल ख़राब करना चाहते हैं, हर टाइम चाहते हैं एमी को बदनाम भी हो इंटरनेशनल वाइड में, तो उसको नहीं करना चाहिए और जो है जैसे है वैसे रहना चाहिए। और मोदी जी के फ़ोटो लगे हुए हैं, कोई गलत बात नहीं है इसमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो गज़ट है उसका एक स्पेशल इशू छाया हुआ है अभी, और ये स्पेशल इशू है कि जब भारत ने 1 करोड़
से ज़्यादा बल्कि 1 अरब लोगों का टीकाकरण की जो मुहिम थी हमारी जब कंप्लीट हुई, तो इस पूरे उसको सेलिब्रेट करने के लिए ये एक स्पेशल इशू निकाला गया। और स्पेशल इशू में आपको पता है कि जो कोवैक्सीन का ट्रायल फेज़ 1 का फेज़ 2 का ट्रायल यहीं पे हुआ था। इसके अलावा जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टीकाकरण के मुहिम जो लगी उसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने बहुत अहम रोल अदा किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर फंड से यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे ताकि वो जो है ताकि लोगों को परेशानी ना हो, मरीज़ों को परेशानी ना हो। तो इन तमाम चीज़ों की तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, वही तस्वीरें उससे रिलेटेड फ़ोटो जो हैं वो गज़ट में भी छपे हैं। प्राइम मिनिस्टर आपको पता है अलीगढ़ उन्होंने वर्चुअल जो हम लोगों का फंक्शन हुआ था, सेलिब्रेशंस हुआ था अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जब 100 ईयर्स हुए थे तब वो उन्होंने वर्चुअली यहाँ पे आए थे। उन्होंने अलीगढ़ को मिनी इंडिया कहा था कि जो भी एक इंडिया में जो कुछ हो रहा है, इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको अलीगढ़ रिफ्लेक्ट करता है, ये तो एक बात है। और फिर उनके जितने फंक्शंस हुए थे तो उसमें जो कोविड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ये जनरल इशू तो है नहीं कोई गजट का, है ना। तो जो लोग भी जैसे जब यहाँ बहुत से लोग कोविड से शहर में भी और यूनिवर्सिटी में भी बहुत से लोगों को कोविड जब वार्ड में बहुत लोग थे तो वो जो थे यूपी के चीफ मिनिस्टर वो भी यहाँ आए थे, तो ये पूरी सिचुएशन थी। तो इन सब लोगों की तस्वीरें उसमें छपी हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई एतराज़ की बात है, इसमें कोई आपत्तिजनक बात है, क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो और प्राइम मिनिस्टर हैं ज़ाहिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वो तमाम चीज़ों की चीज़ें वो तमाम फ़ोटोग्राफ छपे, मुझे नहीं लगता कोई इसमें आपत्तिजनक बात है। उसमें और कोई बात नहीं है कि इसमें कितना टीकाकरण हुआ, कैसे गैस प्लांट लगे, कैसे हम लोगों ने इसमें जो फेज़ वैक्सीनेशन पहला फेज़ और दूसरे फेज़ में अलीगढ़ का क्या रोल, आपको पता हमारा जैन मेडिकल कॉलेज लेवल 2 हॉस्पिटल था, तो यही सब बातें हैं। तो इसी की फ़ोटो लगी, तो फ़ोटो पे किसी को एतराज़ करने की मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य है। 3 हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो थे वो सेटअप हुए जैन मेडिकल कॉलेज में, और बहुत से एलुमनाई ने जो सपोर्ट किया है, अपना सपोर्ट सिस्टम दिया है। इसके अलावा बहुत से एक्टिविस्ट सामने आए, हमारी फ्रंट लाइन जो पैरामेडिकल स्टाफ था, जूनियर डॉक्टर्स थे, सीनियर डॉक्टर्स थे, इनका कॉम्बिनेशन होकर जो, और हमारी स्टाफ नर्सेस हैं, आंगनवाड़ी जो हैं, इन लोगों को कोलैबोरेट करके जो काम किया गया उस टाइम पे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ जो 2 हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो पीएम केयर फंड से मिले थे, और इसमें वज़ीर आज़म की अपनी उसे कोशिशें काबूशों से ये चीज़ें हुई थी कि उनको ज़रूरत समझी तो उसका भी करा गया। दूसरी बात, जो स्टेक होल्डर्स थे और जो जैसे आपके भारत भारत बायोटेक के जो ऑफिशियल थे, जिसमें आपके कृष्णा एम इला साहब और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी इसमें आर्टिकल्स हैं, उनके कारगुजारी है, और जो इस वक्त हुकूमत हिंद है, हमारी मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उसने टैंडम में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए सब क्या काम किया। और यहाँ के असाज़ाए कराम ने, यहाँ के स्टूडेंट्स ने जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अदायगी करी है, समझे सर, हर चीज़ का एक खाका खींचा गया है